अगर आपके 3 से 4 लोगों की फैमिली है और आप बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं और कपड़े वॉश करने के लिए अगर आप अपने लिए एक टॉप लोड वॉशिंग मशीन लेने के लिए प्लान कर रहे हैं तो दोस्तों आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको सैमसंग, LG और IFB की टॉप लोड ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के बीच में डिटेल कंपेरिजन करके बताएंगे। साथ ही आपको बताएंगे इन वॉशिंग मशीन के प्रॉस एंड कॉन्स, जिससे कि आपको मदद मिलेगी अपने लिए एक बेस्ट वॉशिंग मशीन को चूज करने में। आमतौर पर जब कभी भी हम वॉशिंग मशीन लेने के लिए डिसाइड करते हैं तो दोस्तों हमारे दिमाग में काफ़ी सारे डाउट्स होते हैं, जैसे कि आपको कौन सी वॉशिंग मशीन लेना चाहिए, सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन लें या फिर एक फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन लें। फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन लें तो कौन सी लें, टॉप लोड या फिर फ्रंट लोड। वॉशिंग मशीन आपको कितनी कैपेसिटी की परचेस करना चाहिए, जैसे कि 6 kg, 7 kg या फिर 8 kg। वॉशिंग मशीन के अंदर कौन कौन से ऐसे स्पेशल फीचर्स होना चाहिए जिससे कि आपको एक बेहतर वॉश क्वालिटी देखने को मिले। वॉशिंग मशीन में कपड़े लोड करते समय आपको कौन कौन से बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए जिससे कि आपको एक अच्छी वॉशिंग क्वालिटी मिले और आपके प्रोडक्ट की ड्यूरेबिलिटी भी काफ़ी बढ़िया आपको देखने को मिले। तो दोस्तों इस टॉपिक के ऊपर हमने आपके लिए एक डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है जो कि कंप्लीट वॉशिंग मशीन बाइंग गाइड वीडियो है, आपको वो वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और उस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आप अपने लिए एक बेस्ट वॉशिंग मशीन चूज कर पाएंगे। अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक के ऊपर, वो है इन बेस्ट टॉप लोड ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का कंपैरिजन। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको सैमसंग, LG और IFB के 7 kg 5-star टॉप लोड ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के बीच में डिटेल कंपैरिजन करके बताएंगे। दोस्तों इन सभी वॉशिंग मशीन में आपको कुछ फीचर कॉमन देखने को मिलता है, जैसे कि टब क्लीन का फीचर आपको सभी वॉशिंग मशीन में देखने को मिलेगा। दोस्तों इस फीचर को आपको 1 से 1.5 महीने में एक बार यूज करना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि जब कभी भी हम कपड़े रेगुलर वॉशिंग मशीन में वॉश करते हैं तो दोस्तों जो भी डिटर्जेंट की थिकनेस होती है या हार्डनेस होती है वो ड्रम के ऊपर जाकर जमा हो जाती है, तो उसे क्लीन करने के लिए हमें टब क्लीन फीचर को यूज करना होता है। और दोस्तों टब क्लीन फीचर यानी कि जब कभी हम यूज करेंगे तो उसके लिए अलग से पाउडर आता है, उस पाउडर की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा दूंगा, उसको आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको इन सभी टॉप लोड ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में मैजिक फिल्टर या लिंट फिल्टर मिलेगा जो कि ब्रांड टू ब्रांड अलग नाम से जाना जाता है, और इसकी साइज आपको छोटी या बड़ी देखने को मिलेगी। वहीं आपको ऑटो रिस्टार्ट का फीचर इन तीनों ही वॉशिंग मशीन में मिलेगा। जब कभी भी आप वॉशिंग मशीन में कपड़े लोड करते हैं और मान के चलें कि इलेक्ट्रिसिटी चली गई है, तो दोस्तों दोबारा जब कभी भी इलेक्ट्रिसिटी आएगी तो आपको शुरू से वॉशिंग प्रोग्राम सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, वॉशिंग मशीन वहीं से कपड़े वॉश करना शुरू करेगी जहां पर वॉशिंग मशीन ने स्टॉप किए थे। इसके अलावा दोस्तों आपको बजर का फीचर जो है वो सभी वॉशिंग मशीन में देखने को मिलता है। एक बार कपड़े वॉश होने के बाद दोस्तों वॉशिंग मशीन बजर के थ्रू आपको ये इंडिकेट करेगी कि आपके कपड़े वॉश हो चुके हैं। और इन तीनों की वॉशिंग मशीन में आपको स्टेनलेस स्टील का ड्रम मिलेगा जो कि आपको एक अच्छी वॉश क्वालिटी प्रोवाइड करता है। दोस्तों लेकिन पेटेंट नेम आपको हर एक ब्रांड में अलग अलग नाम से देखने को मिलता है, जैसे कि सैमसंग में इसे डायमंड ड्रम कहते हैं और LG में इसे टर्बो ड्रम और IFB में इसे क्रिसेंट मून ड्रम कहते हैं। दोस्तों अब हम 1 by 1 इन तीनों की वॉशिंग मशीन के अदर फीचर्स को कंपेयर करना शुरू करते हैं। बात करें स्पिन स्पीड की तो आपको LG और सैमसंग की वॉशिंग मशीन में 700 RPM की स्पिन स्पीड मिलेगी और IFB की वॉशिंग मशीन में आपको 720 RPM की स्पिन स्पीड मिलेगी। एक वॉशिंग मशीन में जितनी ज्यादा स्पिन स्पीड होती है यानी कि जितनी ज्यादा RPM होता है उतनी ही वो वॉशिंग मशीन आपके कपड़े जल्दी ड्राई करती है, तो यहां पर IFB की वॉशिंग मशीन आपके कपड़े जल्दी से ड्राई करेगी। वहीं वॉशिंग प्रोग्राम की बात करें तो आपको LG और IFB की वॉशिंग मशीन में 8 वॉशिंग प्रोग्राम मिलेंगे, वहीं सैमसंग की वॉशिंग मशीन में आपको 9 वॉशिंग प्रोग्राम मिलेंगे। अब हम 1 by 1 दोस्तों इन तीनों ही वॉशिंग मशीन में कुछ अदर स्पेशल फीचर्स जो आपको मिलता है उस बारे में जानना शुरू करते हैं। सैमसंग की इस वॉशिंग मशीन में आपको डिजिटल इन्वर्टर मोटर मिलती है जो कि काफी कम नॉइस करती है और अच्छी खासी पावर सेविंग प्रोवाइड करती है। इस वॉशिंग मशीन में आपको इको बबल और बबल स्टॉर्म का फीचर मिलेगा और यह फीचर आपको एक अच्छी वॉश क्वालिटी प्रोवाइड करता है। इस वॉशिंग मशीन में आपको डिले एंड का फीचर देखने को मिल जाता है। दोस्तों सपोज अगर आपके यहां पानी की सप्लाई थोड़ी सी लेट आती है तो जिस समय भी आती है उस हिसाब से वॉशिंग मशीन की टाइमिंग को आप सेट कर सकते हैं और उस टाइमिंग के दौरान वॉशिंग मशीन आपके कपड़े वॉश करेगी। इस वॉशिंग मशीन में आपको टॉप में ट्रांसपेरेंट सॉफ्ट क्लोजिंग डोर मिलता है और इस डोर को दोस्तों आपको फोर्सफुली क्लोज नहीं करना होता है, ये ऑटोमेटिकली क्लोज होता है। LG की इस वॉशिंग मशीन में आपको स्मार्ट इन्वर्टर मोटर मिलती है और इस मोटर के ऊपर दोस्तों कोटिंग प्रोटेक्शन भी दिया हुआ है जिससे
जिससे कि मोटर को कोई भी जंग लगने का खतरा नहीं है और वाटरप्रूफ मोटर आपको देखने को मिलती है। और ये जो मोटर है दोस्तों काफ़ी कम नॉइस करती है और अच्छी खासी पावर सेविंग भी आपको प्रोवाइड करती है। इस वॉशिंग मशीन में आपको ऑटो प्री वॉश का फीचर देखने को मिलेगा जो कि आपको एक अच्छी वॉशिंग क्वालिटी प्रोवाइड करता है। वहीं दोस्तों आपको स्मार्ट डायग्नोसिस का फीचर भी इस वॉशिंग मशीन में देखने को मिल जाता है। सपोज अगर आपकी वॉशिंग मशीन में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप LG की थिंक्यू ऐप या फिर LG के कस्टमर केयर पर कॉल करके प्रॉपर ट्रबल शूटिंग करा सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम को वहां से फिक्स करा सकते हैं। IP के इस वॉशिंग मशीन में आपको एक्वा एनर्जी का फीचर मिलेगा, यानी कि आपको एक इनबिल्ट वाटर सॉफ्टनर डिवाइस वॉशिंग मशीन में लगा हुआ मिलेगा। और दोस्तों ये जो डिवाइस है वो हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में चेंज करता है और आपको एक अच्छी वॉश क्वालिटी प्रोवाइड करता है। इस वॉशिंग मशीन में आपको स्मार्ट सेंस का फीचर भी मिलता है। दोस्तों ये फीचर जो है जो भी आप कपड़े लोड करेंगे उसको ऑटोमेटिकली सेंस करेगा और वाटर लेवल और जो भी वॉशिंग प्रोग्राम है उसको ऑटोमेटिकली सेलेक्ट करेगा और आपको एक अच्छी वॉशिंग क्वालिटी प्रोवाइड करेगा। इस वॉशिंग मशीन में आपको 3D वॉश सिस्टम का फीचर भी देखने को मिल जाता है। और ये जो फीचर है दोस्तों जब कभी भी आप कपड़े वॉश करेंगे तो वाटर सप्लाई जो है वो 3 अलग अलग डायरेक्शन से आती है और आपको एक अच्छी वॉश क्वालिटी मिलती है। इस वॉशिंग मशीन में आपको ट्राइडेक पल्सेटर यहां पर देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों इन तीनों ही वॉशिंग मशीन की वारंटी की। तो दोस्तों सैमसंग की वॉशिंग मशीन में आपको 2 साल की ओवरऑल प्रोडक्ट पर और 20 साल की मोटर पर वारंटी मिलती है। वहीं LG की वॉशिंग मशीन में आपको 2 साल की ओवरऑल प्रोडक्ट पर और 10 साल की मोटर पर वारंटी मिलती है। IP की वॉशिंग मशीन में आपको 4 साल की ओवरऑल प्रोडक्ट पर वारंटी मिलेगी और 10 साल की मोटर पर और स्पेयर पार्ट सपोर्ट पर वारंटी मिलेगी। अब ये स्पेयर पार्ट सपोर्ट की वारंटी क्या है? तो दोस्तों IP की जो भी वॉशिंग मशीन का मॉडल आपने परचेस किया है सपोज अगर कंपनी ने उस मॉडल को डिसकंटिन्यू भी कर दिया तो भी आपको स्पेयर पार्ट सपोर्ट पर 10 साल तक लगातार वारंटी मिलती रहेगी। अगर हम वारंटी की बात करें तो दोस्तों IP की वॉशिंग मशीन में आपको सबसे बढ़िया वारंटी देखने को मिलती है। अब बात करते हैं इन तीनों की वॉशिंग मशीन के प्रोस एंड कॉन्स के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे सैमसंग वॉशिंग मशीन के प्रोस एंड कॉन्स के बारे में। कॉन्स यानी कि कमी की बात करें तो दोस्तों कंपेयर टू IP की वॉशिंग मशीन के मुकाबले आपको ड्रम साइज थोड़ी सी छोटी देखने को मिलती है। वहीं इस वॉशिंग मशीन में आपको RPM स्पीड भी जो है वो IP की वॉशिंग मशीन के मुकाबले थोड़ी सी कम देखने को मिलेगी। लेकिन दोस्तों ये इतनी बड़ी कमी नहीं है। वहीं दोस्तों अगर बात करें प्रॉज यानी कि फायदों के बारे में तो आपको एक इन्वर्टर मोटर मिल रही है और एक वॉशिंग मशीन के अंदर जो भी रिक्वायर्ड फीचर होना चाहिए वो आपको सभी इस वॉशिंग मशीन में देखने को मिलता है। अगर आप इस वॉशिंग मशीन को परचेस करना चाहते हैं तो इसकी फिलहाल जो करंट प्राइस है वो है 17,490 रुपए, जिसकी बेस्ट वैल्यू दी है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। LG की वॉशिंग मशीन के प्रॉज एंड कॉन्स की बात करें तो दोस्तों कॉन ये है कि इस वॉशिंग मशीन में आपको दोनों ही वॉशिंग मशीन के मुकाबले जो ड्रम मिल रहा है वो थोड़ा सा छोटा मिलता है। वहीं दोस्तों जो फिल्टर मिलता है यानी कि जिसे हम मैजिक फिल्टर भी कहते हैं उसकी साइज भी आपको जो है वो थोड़ी सी छोटी देखने को मिलती है। और इस वॉशिंग मशीन में कंपेयर टू IP की वॉशिंग मशीन के मुकाबले आपको स्पिन स्पीड भी थोड़ी सी कम देखने को मिलेगी, लेकिन स्पिन स्पीड इतनी ज्यादा मैटर नहीं करती है। वहीं पर प्रॉज यानी कि फायदों की बात करें तो दोस्तों आपको एक इन्वर्टर मोटर मिल रही है जो कि काफी कम नॉइस कर रही है। वहीं आपको जो है वो एक अच्छी वॉशिंग क्वालिटी भी आपको एक LG की वॉशिंग मशीन में देखने को मिल जाती है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करें दोस्तों वो ये है कि LG की जो आफ्टर सेल सर्विसेस है वो सैमसंग और IP के दोनों के ही मुकाबले आपको बेहतर देखने को मिलेगी। अगर आप अपने लिए LG की वॉशिंग मशीन को परचेस करना चाहते हैं तो इसकी फिलहाल करंट प्राइस है 17,490 रुपए, जिसकी बेस्ट बाइलिंग दी है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। IP की वॉशिंग मशीन के प्रॉज एंड कॉन्स की बात करें तो दोस्तों कॉन ये है कि आपको IP की वॉशिंग मशीन में इन्वर्टर मोटर नहीं मिलती है। वहीं दोस्तों प्रॉस की बात करें तो आपको एक अच्छी वॉश क्वालिटी जो है वो IP की वॉशिंग मशीन में मिलेगी, क्योंकि आपको एक बड़ी साइज का ड्रम मिलता है, साथ ही आपको जो मैजिक फिल्टर भी मिलता है वो भी लार्ज और बड़ा देखने को मिलता है। और बिल्ट क्वालिटी भी आपको जो है वो बहुत ही बढ़िया देखने को मिलती है। और अच्छी बात यह है कि अगर आपके वहाँ हार्ड वाटर भी आता है तो भी ये वॉशिंग मशीन आपको बहुत ही बढ़िया वॉश क्वालिटी प्रोवाइड करेगी, क्योंकि वाटर सॉफ्टनर डिवाइस आपको इस वॉशिंग मशीन में देखने को मिलता है। और वारंटी भी दोस्तों जो है वो IP की वॉशिंग मशीन में आपको कंपेयर टू सैमसंग और LG की वॉशिंग मशीन के मुकाबले ज़्यादा देखने को मिलती है। अगर आप अपने लिए IP की इस वॉशिंग मशीन को परचेस करने के लिए सोच रहे हैं तो दोस्तों इसकी जो करंट प्राइस है वो है 18,490 रुपए, जिसकी बेस्ट वैल्यू दी है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। दोस्तों बहुत ही मेहनत और रिसर्च करके आपके लिए एक वीडियो प्रिपेयर करते हैं ताकि आपको हेल्प हो एक बेस्ट प्रोडक्ट को अपने लिए चूज करने में। अगर आप अपने लिए कोई भी प्रोडक्ट ऑनलाइन परचेस करने के लिए प्लान कर रहे हैं तो हमारे द्वारा दी गई एफिलिएट लिंक से ही परचेस कीजिएगा, क्योंकि आपको वहां पर बैंक के क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के ऊपर ऑफर मिलेंगे। और अगर आप हमारी एफिलिएट लिंक से परचेस करेंगे तो दोस्तों आपके प्रोडक्ट की प्राइस तो वही रहेगी लेकिन हमारे चैनल की काफी फाइनेंशियली हेल्प हो जाएगी। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारे द्वारा दी गई एफिलिएट लिंक से ही परचेस करें। तो दोस्तों ये रहा डिटेल कंपैरिजन LG सैमसंग और IP की 7KG 5-star टॉपर ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के बारे में। दोस्तों इन सभी वॉशिंग मशीन में आपको
अदर कैपेसिटी के भी मॉडल्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि 8 kg, 9 kg, 10 kg या फिर 6 kg या 6.5 kg। सभी की बेस्ट बैलिंग मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा दूंगा, आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उन प्रोडक्ट को भी चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको इन तीनों ही वॉशिंग मशीन के एक एक फीचर को डिटेल में कंपेयर करके बताया है और साथ ही आपको इन वॉशिंग मशीन के प्रॉस एंड कॉन्स भी बताए हैं। लेकिन इन वॉशिंग मशीन में से कोई से भी वॉशिंग मशीन को परचेस करने से पहले आप इन ब्रांड के सर्विस सेंटर के बारे में पहले जरूर पता कर लेवें, क्योंकि दोस्तों किसी भी ब्रांड की वॉशिंग मशीन हो या कितना भी वो ब्रांड क्लेम करे, वो 100% परफेक्ट नहीं हो सकती और आफ्टर सेल सर्विसेज में सर्विस सेंटर का बहुत ही बड़ा मेजर रोल होता है। दोस्तों उम्मीद है इस डिटेल कंपैरिजन वीडियो को पूरा देखने के बाद आप अपने लिए एक बेस्ट वॉशिंग मशीन जरूर चूज कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो जरा सा भी हेल्पफुल लगा हो और अगर आपके काम आया हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली फ्रेंड्स मेंबर के साथ जरूर शेयर कीजिए और अगर आपके कोई सवाल है तो प्लीज कमेंट कीजिए, मैं आपके सवालों का रिप्लाई आपको जरूर दूंगा। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलता है बहुत जल्द एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।